सही करो इनको, ये स्पीकर खराब कैसे हो गया है ना। हेलो एवरीवन, घुमा गणेशा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो कल कथा खत्म हो गई थी 5 दिन की, तो हम लोग कल शाम वाली ट्रेन से ही आ गए थे। वहां से हम लोग फ्री हो गए थे, 11 बजे कथा खत्म हो गई थी। 11 बजने के बाद में वहां से हम लोग, जाम लग गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी ना 2 दिन तक। चौथे और पांचवे दिन तो कम से कम बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, कम से कम लाखों में लोग होंगे वहां पे, तो इसलिए रोड पे जाम लग जाता है, तो निकलने में ही काफी टाइम लग जाता है। तो वहाँ रोड पे जाम लग गया था, तो 1-2 घंटे तक हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे। फिर जाम क्लियर हुआ और वहाँ पे भोग वगैरह भी था, खाना वाना, तो वो थोड़ा बहुत खा के हम लोग वहां से निकले। तो हम 2:30 बजे के आसपास हम लोग घर पे पहुंच गए थे, और फिर उसके बाद में हमारी ट्रेन भी थी, 4:20 के आसपास हमारी ट्रेन थी, क्योंकि हमको आना था, कल ज़रूरी था, हमारा कंपलसरी था आना, वरना क्योंकि थक तो गए थे थोड़ा, तो रुक जाते। लेकिन आज है जो हमारे पापा का श्राद्ध है, मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध है आज, तो इस वजह से हम लोगों को आना ज़रूरी था, तो हम शाम वाली ट्रेन से आ गए थे और कथा सुन के आए। 5 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और अभी जस्ट मैं मंदिर जाकर आई हूँ, और अभी भोग लगाएंगे, खाना वगैरह बन गया, तो बस अभी भोग की तैयारी हो रही है। मम्मी पुड़िया बना रहे हैं और बेसंदर होने के लिए रख दिए, बाकी का खाना बन चुका है, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ में। तो ये पापा की फोटो है, पापा की फोटो साफ कर रहे हैं, रखते तो नहीं है इसलिए भोग लगाएंगे, फोटो यहीं पर है। तो अभी भोग लगा रहे हैं, तो भोग में वही सब कुछ है, पूड़ी है, इमरती है और मालपुए हैं जो कि बाजार से लिए आए थे, और खीर, दही, आलू की सब्जी और तोरई की सब्जी, और ये तोरई के पत्ते भी मिल गए इस बार, तो ये तोरई के पत्ते लेकर आए हैं। आज तो पंडित जी वाली, तो पंडित जी खा लेंगे, नहीं तो इनके ऊपर नहीं निकालो तो खा लेंगे सर। अच्छा गाय को ही देते हैं, खिला देते हैं वैसे। तो आज तो तोरई के पत्ते मिल गए थे तोरई के पत्ते लिए आए, धुआं बहुत तो दिया। तो वही पहले की तरह कौए की, कन्या की, पंडित जी की, गाय की, कुत्ते की इनकी पूड़ी है, जो कि अभी भूख लगा दिया, तो ये अब देकर आएंगे। धुआं की वजह से बोला ही नहीं जा रहा। ये कौए की पानी भी ले जाना, एक उसमें भर के पानी भी रख के आना, मिल जाता है क्या काला कुत्ता? पहले तो अपनी गाड़ी के नीचे ही बैठा रहता था। तो अभी भोग लग गया और पंडित जी आने वाले हैं, तो पंडित जी के लिए ये सांफे लेकर आए हैं, और इसके ऊपर पैसे और गेहूं रख के पंडित जी को विदा करेंगे। तो अभी भोग
भोग लगा दिया और भोग लगाने के बाद में अभी ये कौवे को भी रखिया है और गाय वगैरह को देने गए हैं, गाय को, कुत्ते को, इनको। और पंडित जी भी आ गए तो अभी पंडित जी को खाना खिलाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि पापा की श्राद्ध में पंडित जी को खाना खिलाते हैं, तो पंडित जी आ गए तो बस सारी तैयारी है, बस अब पंडित जी को खाना खिलाएंगे। रायता, आलू की सब्जी और तोरे की सब्जी, मालपुए, पूरी। तो पंडित जी खाना खाते जा चुके हैं और अब हम लोग खाना खा रहे हैं। खीर तो मैं पहले खा चुकी थी और अब की बार हमने दही बड़े नहीं बनाए क्योंकि आ रही मरते तो मैं नहीं खाऊँ, बाद में लूँगी। दही बड़े नहीं बनाए क्योंकि कल हम रात को लेट आए थे ना, तो दाल भी भिगोना भूल गए थे और दही के लिए भी दूध, दही तो खैर वैसा ले आते हैं बाज़ार से, लेकिन दाल भिगोना भूल गए थे तो इसलिए हमने दही बड़े नहीं बनाए। बाकी अब हम खाना खा लेते हैं। मैं स्कूल से आ रही हूँ, देखो मैं क्या कर रही हूँ। देखो इसमें पेंसिल है दो, अच्छा कटर है ये। आज तो पापा को फंसा लिया तूने चंगुल में, है ना? क्या क्या ले आई है तू? ये क्यों लेकर आई है पेंसिल कटर ये सब रखे हुए हैं? ये क्या है? ये स्लाइम है। स्लाइम या क्ले? मुझे देखने दे, ये क्ले है, क्ले, क्ले बोलते हैं इसको। क्ले है। अच्छा क्या बनाओगे अब क्ले से आप? ये नोटबुक, हिंदी की बड़ी का? अभी तो तीनों नोटबुक नहीं रखी है बेटा, चलो देखो। लाओ, मैम ने कुछ बोला आज आप बहुत दिन में स्कूल गए? हाँ बोला था ना, मैं बोली कि मैं कोटा चली गई थी। अच्छा कोटा चली गई थी, मैम ने ऐसे नहीं पूछा क्यों गए थे आप कोटा? नहीं ऐसे नहीं पूछा। नहीं पूछा, चलो आ जाओ, आपकी ड्रेस चेंज कर दूँ। अब इनको बिगाड़ना मत, लेकिन तू बिगाड़ देती है लाते ही। मौर्या 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 रे बप्पा मौर्या रे मौर्या रे ओ बप्पा मौर्या रे उजागर राम दूत अजली तो ओके शंकर सुमन मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। अब बोल, यस क्लैपिंग 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 भाई क्लैपिंग नितिशा के लिए, वो वाला ना, वो नहीं नहीं वो वाला, वो कौन सा वाला भजन गाया था पंडित जी ने? काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी से आई।